इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मिस्टर जे को, जो अपना मोबाइल चलाते हुए लियो की तरफ देख रही होती हैं। तभी वो अपने मन में सोचती हैं, 3000 की कार चलाने से पहले वो कंपनी में एबल था वहाँ की सेल्स को ग्रो करने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों उसे कंपनी से निकाल दिया गया। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा सीरियस है रनिंग ब्ला ब्ला के लिए। वैसे मुझे नहीं पता कि कंपनी ने इतने सीरियस बंदे को आखिर डिसमिस क्यों कर दिया। मुझे वहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन अब इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता। वैसे उन्हें इस चीज़ की ठीक से जांच करनी चाहिए थी। जिसके बाद मिस्टर जे लिनियो से कहती हैं, तो उस तरफ चलो। जिसके बाद लिनियो मिस्टर जे से कहता है, ठीक है आप जैसा कहें। जिसके बाद अचानक से लिन के पीछे वो सिस्टम वाली लड़की अपेयर होती है, जिसे देख कर लियो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तो वो हंसते हुए कहती है, इतना ज़्यादा घबराओ मत, आखिरकार वो मुझे नहीं देख सकती। जिसके बाद वह लिन के बगल खड़ी हो जाती है और लिन से कहती है, मास्टर ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वैसे इसके दिए हुए सारे रेटिंग्स काफ़ी अच्छे थे, जिसके कारण हमें 85 पॉइंट्स और भी ज़्यादा मिले हैं। ये रियली बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिसके बाद वह ऊपर की तरफ उछलती है और लिन से कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन मास्टर, आपने सक्सेसफुली रिसीव कर लिया है सेकंड ऑर्डर को। आपने ट्रेंडिंग सिस्टम के जो टास्क थे ट्रांसपोर्ट के, आपने उसमें दो ब्यूटीफुल लड़कियों को ट्रांसपोर्ट किया और उनकी वजह से आपको 85 पॉइंट्स ज़्यादा भी मिले हैं। यह एक एडवांटेज है 10,000 प्रोफेशनल पॉइंट को। वैसे आपका मिशन कम्प्लीट प्रोग्रेस बार 50% तक पहुंच चुका है। जिसके बाद लिन उस टास्क वाली लड़की से पूछता है, वैसे किन खूबसूरत लड़कियों को माना जाता है 85 पॉइंट से भी ऊपर। जिसके बाद वो लड़की बताती है, वैसे इसके बारे में यह है कि जे जैसी लड़कियों को माना जाता है। जिसके बाद मिस्टर जे लिन के कंधे पर हाथ रखती हैं और लिन से कहती हैं, क्या हुआ तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हो, मुझे घर की तरफ ले चलो। वैसे क्या हुआ तुम्हारे साथ, कुछ गलत हुआ है क्या, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम से भी ज़्यादा बड़ी है क्या। जिसके बाद लिन कहता है, वैसे क्या हुआ आपको भी कोई प्रॉब्लम है क्या, वैसे यह प्रॉब्लम आपकी पर्सनल है या आपके बिजनेस से रिलेटेड है। यह सुनकर मिस्टर जे लिन से कहती हैं, बिजनेस, हाँ ये वैसे बिजनेस से ही रिलेटेड था। मेरी कंपनी ने मुझे एक इवेंट करने के लिए कहा है फ्यूचर में, लेकिन मैं इस बारे में अब क्या कर सकती हूँ। मैंने शहर के काफ़ी सारे 5-स्टार होटल से कांटेक्ट किया और मैंने उनसे बातें भी की, लेकिन मुझे पता चला कि वो सब पहले से ही बुक हो चुके हैं। इसीलिए मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, पता नहीं यह मामला कैसे ठीक हो पाएगा। जिसके बाद लिन मिस्टर जे से कहता है, अच्छा तो क्या आपने पेंसिलम होटल से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। लिन की बात सुनकर मिस्टर जे बहुत ज़ोर से हंसने लगती हैं और लिन से कहती हैं, वैसे यह बहुत ज़्यादा रेडिकुलस रहेगा, लेकिन पेंसिलम होटल एक सुपर होटल है 5-स्टार होटलों में जोंगहाई का। वैसे मैं पैसे खर्च करने से डरती तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए इसे बुक करना इतना आसान नहीं है। जिसके बाद लिन मिस्टर जे से कहता है, वैसे यह ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन लाइफ आश्चर्यों से भरी हुई है। जैसे हम आज यहाँ पर मिले थे, हो सकता है अगर आप वहाँ पर जाएं तो आपको कोई सरप्राइज भी मिल जाए। जिसके बाद मिस्टर जे लिन की बातों को सुनकर हंसने लगती हैं और लिन से कहती हैं, वैसे तुम बोलना तो बहुत अच्छा जानते हो, तो चलो मैं तुम्हारी बात को सुन ही लेती हूँ। तो चलो अपनी गाड़ी को मुड़ाओ, तो हम इस वक्त सीधे पेंसिलम होटल की तरफ चल रहे हैं। जिसके बाद लिन कहता है, बहुत अच्छा। जिसके बाद वो अपनी गाड़ी को काफ़ी स्टाइल से टर्न मारता है। जिसके बाद मिस्टर जे लिन से कहती हैं, मैं उनके सामने क्या कहूँगी, वैसे अगर हम बातचीत नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारा किराया नहीं दूंगी। जिसके बाद लिन कहता है, क्या होगा अगर हमने बातचीत कर ली। जिसके बाद मिस्टर जी कहती हैं, ठीक है अगर ऐसा हुआ तो इसके बदले मैं तुम्हें कोई भी रिवॉर्ड दे सकती हूँ। जिसके बाद लिन हंसते हुए कहता है मिस्टर जे से, ठीक है तो आपको इसके बदले 10 स्क्वाट्स लगाने होंगे। जिसके बाद मिस्टर जे हैरानी से कहती हैं, क्या स्क्वाट। जिसके बाद लिन हंसते हुए मिस्टर जे से कहता है, अपना फ़ोन निकालिए और उसमें एक बार चेक कर लीजिए। जिसके बाद मिस्टर जे कहती हैं, यह पूरी तरह से शर्मनाक है। जिसके बाद मिस्टर जे अपने मन में सोचने लगती हैं कि मैंने तो पहले ही वहाँ के मैनेजर से फ़ोन कर इस बारे में पूछ लिया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि यहाँ पर अब कोई जगह खाली नहीं बची है। मैं बस वहाँ जाने के लिए अब इसलिए मान गई क्योंकि लिन ने मुझसे कहा था। जिसके बाद मिस्टर जे लिन से कहती हैं, ठीक है तो मैं स्कॉट्स
करूंगी। लेकिन बस एक, जिसके बाद हमें पेंसिलम होटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिन और मिस्टर जे खड़े होते हैं। तभी एक लड़की उनका वेलकम करते हुए कहती है, हेलो मिस्टर जे, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तब मिस्टर जे कहती हैं कि क्या आप अपने मैनेजर को यहाँ पर बुला सकती हैं? जिसके बाद वह सर्वेंट हंसते हुए कहती है, ठीक है, मैं अभी होटल के मैनेजर को बुला दे रही हूँ, लेकिन आप पहले होटल के अंदर आ जाइए। जिसके बाद लिन पीछे से उस सर्वेंट को इशारा करता है तो वह लेडी हंसते हुए उसे समझ जाती है और अपने मन में कहती है, अच्छा तो ये बॉस की नई गर्लफ्रेंड है। वैसे बॉस की पिछली वाली गर्लफ्रेंड से ये काफ़ी बेहतर है। ज़रूर इसे पाने के लिए बॉस ने वापस से गरीब बनने का दिखावा किया होगा। ठीक है, तो मैं अभी मैनेजर बैंक को इस चीज़ के बारे में बता दूंगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है होटल के अंदर का सीन जहां मिस्टर जे मिस्टर वैंग से हाथ मिला रही होती हैं। तो मिस्टर वैंग मिस्टर जे को सॉरी कहते हुए कहते हैं कि माफ़ करना, मैं आपका स्वागत करने के लिए बाहर नहीं था। जिसके बाद मिस्टर जे कहती हैं, हेलो मिस्टर वैंग, मैं सनराइज ग्रुप की मिस्टर जे हूँ। हमारी कंपनी यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस करना चाहती है, तो क्या हम आपके होटल को भविष्य में बुक कर सकते हैं? जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लिन पीछे से मिस्टर वैंग को ओके का साइन करता है, जिसे वैंग समझ जाते हैं और मिस्टर जे से कहते हैं, ठीक है तो आप जब चाहें आ सकती हैं, मैं सारी अरेंजमेंट तभी कर दूंगा। जिसके बाद मिस्टर जे काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं और अपने मन में कहती हैं, वैसे मैंने इस चीज़ की ज़्यादा उम्मीद तो नहीं की थी, लेकिन क्या हमारे ग्रुप का नाम इतना ज़्यादा आगे जा चुका है? क्या वह एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है? क्योंकि मिस्टर जे को लग रहा होता है कि उसके ग्रुप का नाम लेने से मिस्टर वैंग ने ओके कह दिया है। जिसके बाद मिस्टर जे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और मिस्टर वैंग से कहती हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, मेरा प्लान बस 10 दिन बाद का ही है। जिसके बाद मिस्टर वैंग कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं 10 दिन बाद इस चीज़ का इंतजाम कर दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद हमें लिन की कार को दिखाया जाता है जहां पर मिस्टर जे और लिन बैठे होते हैं। जिसके बाद मिस्टर जे लिन से कहती हैं, लिन यू, तुम मेरे लिए एक ब्लेसिंग की तरह हो, तुमने जैसा कहा था तुम्हारे यहाँ आने के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। जिसके बाद लिन कहता है, हाँ जैसा कि मैंने कहा था, ये दुनिया आश्चर्यों से भरी हुई है, तो चलो इस चीज़ को साइड रखते हैं। तो आपको याद है आपने मेरे साथ एक जुआ खेला था और अब आप उस जुए को हार चुकी हैं, तो आपको अपना प्रॉमिस तो याद ही होगा ना? जिसके बाद मिस्टर जे शर्माते हुए लिन से कहती हैं, तुम्हें अभी तक यह कैसे याद है? वैसे भी मैं सनराइज ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं अपने शब्दों को कैसे भूल सकती हूँ। जिसके बाद लिन मिस्टर जे का सीट बेल्ट खोलने लगता है और कहता है, ठीक है तो आपको यह करना चाहिए, है ना मिस्टर जे? जिसके बाद मिस्टर जे काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं और लिन से कहती हैं, रुको, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, यह कार है, क्या हम इस चीज़ के बारे में घर पर जाकर बात नहीं कर सकते? जिसके बाद मिस्टर जे लिन से कहती हैं, यह कोई बड़ी जगह नहीं है, तो बेहतर रहेगा कि तुम मेरे घर पर चलो। जिसके बाद यह सुनकर लिन बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को भगाने लगता है और कहता है, गुड। जिसके बाद मिस्टर जे यह सब देख कर काफ़ी हैरान होती हैं और लिन से कहती हैं, सिर्फ स्क्वाड के लिए तुम्हें इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद हमें मिस्टर जे के घर को दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर जे अंदर एक सोफे के पास खड़ी होती हैं। जिसके बाद वह लिन से कहती हैं, क्या तुम सच में यह देखना चाहते हो? जिसके बाद लिन मिस्टर जे से कहता है, ठीक है तो आप जल्दी से इसे ख़त्म कीजिए, वैसे भी मेरे पास अभी भी बहुत सारे काम हैं। जिसके बाद मिस्टर जे शर्माने लगती हैं और लिन से कहती हैं, ठीक है लेकिन मैंने कभी इस चीज़ को ट्राई नहीं किया है, तो अगर मुझसे कुछ गलत हो जाए तो मुझे दोबारा करने के लिए कहना मत या फिर मेरी कंप्लेन भी मत करना। जिसके बाद लिन कहता है, ठीक है मैं नहीं करूँगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मिस्टर जे अपनी पोजीशन ले लेती हैं और जैसे ही वो अपना स्कॉट करती हैं, लिन उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और लिन के मन में अलग ही लड्डू फूटने लगते हैं और लिन की नाक से खून भी निकलने लगता है। जिसके बाद वो मिस्टर जे को उसी तरीके से घूरने लगता है। तभी दरवाज़ा अचानक से खुलता है और उसमें से मिस्टर जे के डैड बाहर आते हैं और कहते हैं, यहाँ पर क्या चल रहा है, और गुस्से में दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिसे देखकर मिस्टर जे हैरान हो जाती हैं और लिन की तो पूरी तरीके से हालत ही खराब हो जाती है। जिसके बाद इस चैप्टर का यहीं पर एंड होता है।